दोस्तों, भक्त और भगवान का अनोखा प्रेम होता है। अगर भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो भगवान उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। भक्तों, आज की हम एक कथा सुना रहे हैं। ये शिव महापुराण की भक्तमाल की कथा है, जिसमें स्वयं शंकर भगवान जो है अपने भक्त जीवन दास की आकर की सहायता करते हैं। स्वयं लक्ष्मी नारायण माता पिता बनकर के आते हैं और सभी देवता आकर के रिश्तेदारों का अपना फर्ज निभाते हैं। इस कथा को सुनने के बाद में आपको भगवान पर पूरा विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में भी भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। परंतु आपसे अनुरोध है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय। भक्तों, इसी कलयुग की बात है, आज से 200 वर्ष पुरानी बात है। एक सेठ था जिसका बहुत बड़ा व्यापार चलता था, यहां तक कि दिल्ली के अंदर भी उसका बहुत बड़ा व्यापार था। परंतु उसके कई पुत्र थे, जिनमें जो है सबसे छोटा पुत्र था जीवनदास। कहा जाता है ग्रंथों में कि उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा जीवनदास था। सभी पुत्र जो है अपने पिता के साथ में व्यापार को चलाते, सेठ का साथ देते थे। परंतु जीवनदास बचपन से ही भक्तों की संगति करने लगा, मंदिर पर जाता और ब्राह्मण के पास बैठकर के कथा सुनता रहता। नित्य प्रति दोनों समय मंदिर जाना। मंदिर में जब भी कोई उत्सव होता, शिवरात्रि का समय होता, शिवरात्रि के समय पर जीवनदास बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाता, जन्माष्टमी भी मनाता, नवरात्रि भी मनाता, तन मन धन से मंदिर की सेवा करता रहता। पिता ने ये देखा, कहा कि बेटा, तेरे भाई मेरे व्यापार में सहयोग करते हैं, तू भी आकर के मेरे साथ व्यापार में सहयोग कर। जीवनदास कहता, पिताजी, ये संसार का मोह जाल है। पिताजी, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, आप भी थोड़ा समय निकाल करके मेरे भोले बाबा की कथा सुनने चला करें, आप भी मंदिर चला करें। पिता को बहुत गुस्सा आया। घर के बड़े बुजुर्गों ने औरों ने समझाया कि इसकी शादी कर दो, ये मंदिर जाना छोड़ देगा, व्यापार पे काम पे भी ध्यान देगा, अभी ये लापरवाह है। पिता ने उसका संग एक सुंदर कन्या का विवाह कर दिया। परंतु शादी के बाद में भी जीवनदास नित्य प्रति मंदिर ही जाता रहता। सौभाग्य ऐसा था कि उसकी पत्नी जो थी वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी, अब वो भी अपने पति का अनुसरण करने लगी। जीवनदास मंदिर में जाता, अपनी पत्नी को भी ले जाने लग गया। अब तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता, पहले तो एक था, अब तो दोनों ही एग्जिस्ट हो गए। दोनों ही जाते हैं, जाकर के मंदिर में झांझ मंजीरा बजाते रहते हैं और जो खर्चे को पैसा मिलता है ना, उन्हें मंदिर में उड़ा देते हैं। ये क्या अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। पिता ने सोचा कुछ दिन का समय और दिया जाए। सेठ जी इसी मारे चुप लगा गए। अब जीवनदास के एक बेटी हो गई, बड़ी सुंदर बेटी थी। अब बेटी जवान हो गई, विवाह की योग हो गई। अब सेठ जी सोचने लगे, अब तो जीवनदास को सुधरना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा, जीवनदास, अब तो तेरी बेटी जो है विवाह की योग हो गई है, अब तू मंदिर जाना छोड़ दे। हाँ, जा मंदिर में जाके दर्शन करके आ, सेवा कर, पर व्यापार पे भी तो ध्यान दे।
जीवन दास ने कहा, पिताजी सब कुछ छोड़ दूंगा पर मैं अपने भोले बाबा को नहीं छोड़ सकता, मैं उनकी सेवा में दिन और रात लगा रहूंगा, वो मेरे सच्चे प्राण हैं, उनके बिना मैं जी नहीं सकता। अब पिताजी को गुस्सा आया, सेठ जी बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने लिया जीवन दास का सामान उठा करके फेंक दिया, कहा अपने कपड़े उठा, घर का सामान यही रहने दे, ये मेरी मेहनत की कमाई है, तू इसे उड़ाता रहता है, अपनी बेटी को लेकर के घर से निकल जा, देखता हूं तेरी बेटी की शादी कैसे होती है, आखिर में तुझे मेरे पैरों में गिरना ही पड़ेगा। पिता को अहंकार था अपने पैसे का। शिवरात्रि का दिन जीवन दास ने रात भर जागरण किया था और प्रातः काल उसका फल मिला कि पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जीवन दास अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के भगवान के मंदिर में पहुंच गया कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मैं क्या करूं, मैंने आपकी शिवरात्रि में उत्सव मनाया, आज रात भर आपकी सेवा करी, चार पहर की पूजा करी, आज मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे निकाल देते मेरी जवान बेटी, अब मैं क्या करूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जीवन दास फूट फूट करके आज भोले बाबा के सामने रो रहा है, आज मेरे भोले बाबा पिघल गए। जीवन दास सर पटक रहा है, दरवाजे पर सर मार रहा है, उसी समय भोले बाबा ने अपनी लीला रची, सामने से जीवन दास ने देखा, पीछे से आवाज आ रही है, बेटा जीवन दास, बेटा जीवन दास, बेटा रुक जा रुक जा, इतना कहकर के देखा कि पीछे से एक बुजुर्ग बाबा आ रहे हैं। जीवन दास ने पहचाना, अरे ये तो मेरे पिताजी के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, ताकि बाबा आप किस लिए आए, मन बेटा क्या बात हो गई, पिताजी से कोई इतना नाराज होता है, तू घर छोड़ के क्यों चलाया। जीवन दास कहता है कि बाबा मेरे पिताजी भोले बाबा को छोड़ने के लिए कहते हैं या घर छोड़ दे या भोले बाबा का द्वार छोड़ दे, बताओ मैं क्या करूं, मैं भोले बाबा को छोड़ नहीं सकता, चाहे मेरी बेटी कुआरी बैठी रहे, मैं भूखा बैठा रहूं, यही मंदिर में गुजारा कर लूंगा। पिताजी के दोस्त कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं कि बेटा जीवन दास, तुझे थोड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए, अरे जाकर के अपने पिताजी के पैर पकड़ ले, पिताजी कुछ दिन के लिए भोले बाबा को छोड़ गई, तेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर आकर के आराम से भोले बाबा की सेवा करना। जीवन दास ने कहा, बाबा आप ये क्या कह रही, मैं झूठ बोलूं, मैं एक दिन के लिए अपने भोले बाबा को नहीं छोड़ सकता, मेरी बेटी कुआरी रह जाए। बाबा कहने लगे कि चिंता ना कर, अब तेरे पिताजी को मना के मैं ले आऊंगा, इसी मंदिर में रह करके हम तेरी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी करेंगे। अब वो बाबा जो है जीवन दास के साथ मंदिर में रहने लग गए, मंदिर को सजाने लग गए, मंदिर की अच्छी तरह से सजावट करी, कहा कि बेटा कोई लड़का देखा या नहीं देखा, चलो मेरी नजर में एक लड़का भी है, वो बाबा संग गए, लड़की का रिश्ता भी पक्का करा दिया, रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी के दिन आ गए। कहा कि बाबा मेरे माँ बाप तो आ नहीं रही, बाबा ने कहा चिंता ना कर, मेरे बचपन का ये दोस्त है, मेरी लंगोटिया यार है, उसे मैं पकड़ के ले आऊंगा, आएगा क्यों नहीं। अब उस बाबा ने उसी समय जो है हलवाई घरों को निमंत्रण दिया, देखा कि बड़े बड़े कराले करके हलवाई घर आ रहे हैं, स्वागिन औरतें भी आ गईं, अब तो मंदिर को पूरा सजा दिया, बड़े टेंट पांडाल लग गए, सजावट होने लगी, सोने चांदी के आभूषण आ गए, बहुत सारे खाने के व्यंजन आ गए, स्वागिन स्त्रियां बेटी को स्वाग लगा रही हैं। अब एक फुर्तीला सा बाबा के साथ में नौकर भी था, अब वो बड़े से बड़े कराओं को लेता, देखने में पतला सा लगता, उठाता उठा करके उसको वहां रख देना, उसको भारे मिनटों में सारा काम कर रहा, जो सबसे भारी सामान होता उसी को कहते और वो उठा करके फटाफट रख देता।
अब देखा शादी का दिन है, आ तो जीवन दास के भाई आ गए। सामने से देखा माता पिता भी आ रहे हैं। माता पिता को देख करके जीवन दास की आंखों में आंसू आ गए। माता पिता के लगे, बेटा चिंता ना कर, हम थोड़े तुझसे नाराज थे, पर इतने नाराज थोड़ी हैं। तूने बहुत अच्छा किया, जो भोले बाबा की तूने भक्ति नहीं छोड़ी। माता पिता ने गले से लगा लिया। बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी हुई। अब बुआ भी आ गई, फूफा भी आ गए, मामा भी आ गए, भात बनने के लिए आ गए, सब आ गए। आज तो ऐसा तैयारी हो गई जैसे कभी किसी राजा महाराजा की नहीं हुई। इतनी सजावट। अब बारात धूमधाम से आई, बारात को विदा कर दिया गया। सभी बारातियों को सोने की मोहरें दी गईं। जीवन दास बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे पिताजी ने भी तो बड़ी तैयारियां करी हैं। देखो बड़ी धूमधाम से मेरी बेटी का विवाह हो गया। सभी चले गए, स्वागने भी अपनी स्वाग की नेग लेकर के सभी चले गई। आज पूरा मंदिर खाली हो गया। उसके बाद में जीवन दास के माता पिता भी विदा लेकर के चले गए। जीवन दास जो है उस बाबा के पैरों को पकड़ लेता है और पैरों को पकड़ के कह रहा है कि बाबा तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। आज आपकी वजह से मेरी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। मेरे माँ बाप तो आना ही नहीं चाहते थे, आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी बेटी का विवाह करा दिया। अब वो बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि जीवन दास, बेटा जीवन दास तू ध्यान से देख, मैं तेरे पिता का दोस्त नहीं हूं। ध्यान से देख, जिसकी तूने सेवा करी मैं वही तेरा भोले बाबा हूं। देखा कि पिता का दोस्त ने अपना स्वरूप बदल लिया और सामने भोले बाबा खड़े हुए हैं। अब तो जीवन दास की आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु आप मेरे पिताजी के दोस्त बनकर के, मित्र बनकर के मेरा सारा कार्य संभाल रहे थे। भोले बाबा कह रहे हैं कि बेटा तूने जीवन मेरे लिए समर्पण करा, मेरे भंडारे में मेरे उत्सवों में तूने जितना धन खर्च किया उससे कई गुना करके मैंने तुझे लौटा दिया। जीवन दास कहता है कि बाबा चलो आपकी कृपा से मेरे माँ बाप तो आ गए। तब बोले बाबा कहते हैं माँ बाप आए नहीं, वो काम के पारायण थे। माँ बाप बनकर आए जो, वो स्वयं लक्ष्मी नारायण थे। हे बेटा तेरे माँ बाप तो आए नहीं, परंतु मेरे माँ बाप आ गए। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा भी इतना बड़ा परिवार है, मेरा परिवार भी मेरे भक्तों का ही हो जाता है। जो तेरे माँ बाप बन के आए थे वो स्वयं लक्ष्मी नारायण थे। अब जीवन दास कहता है बाबा जो साथ में नौकर तुम्हारे घर में था, पर वो नौकर तेरा नहीं, वो नौकर हमारा था, प्रभु मेरे स्वामी लक्ष्मी नारायण का था, वो हनुमान जी थे। वो एक ऐसे नौकर बन के आए, और पार भी उठाना पड़ जाए तो उसे भी उठा लें। और जो तेरे रिश्तेदार बन के आए थे वो राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, ये सभी रिश्तेदार बन के आए थे। जो स्वागन स्त्री आई थी वो नौ दुर्गा थी, स्वागन बन के आई नौ दुर्गा शक्तिमान थी, वो नौ दुर्गा थी। और जो भंडार बना रही थी ना वो साक्षात अन्नपूर्णा देवी पार्वती थी। मेरे भी जितने देवी देवता थे वो सभी तेरे रिश्तेदार बन के आए थे। बेटा तूने मेरे लिए छोड़ दिया तो मैं अपने कैलाश पर्वत पर कैसे रह पाता, मैंने भी अपना कैलाश पर्वत तेरे लिए छोड़ दिया। आज से तू मेरे धाम को चल। इतना कह करके भगवान शंकर जी बोले बाबा जीवन दास और उसकी पत्नी को अपने शिवलोक ले जाते हैं। भक्तों जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता है भगवान उसके लिए अपना संपूर्ण उछावर करते हैं। तभी तो कहते हैं तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग साठ, एक कदम तो बढ़ा मैं साठ कदम बढ़ा दूंगा। अगर आपको इस कथा से, भक्तमाल की कथा से अच्छी जानकारी मिली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम नमः।